जय कल्कि जय जगपते पद्मापति जय महापति Thank you.
कुछ नहीं करते वो। बोले ऐसा कैसे हो सकता है कि खजाने में से उनको इतनी सुविधाएं दी जाए वो कुछ नहीं करते हो। चलो आपकी शिकायत पे गौर किया जाता, चलते हैं। राजा रणजीत सिंह उन दरबारियों की शिकायत करना दरबारियों के साथ गए, वहां देखा कुछ लोग तिल के तेल की मालिश कर रहे हैं, कुछ लोग बादाम ढोक रहे हैं, कुछ लोग खिंडाई पी रहे हैं, जैसे जिसकी मस्ती आ रही है। और क्या करते हैं, एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं और तालाब में कूदते हैं और कहते हैं बोलो बोलो राजा रणजीत सिंह की जय। मैं यही काम करते सुबह शाम तक, बोले दी यही करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। राजा रणजीत सिंह जी, इसी से मेरा शासन चलता है। कल की भगवान भी कहते हैं जो मेरा जयकारा लगाते हैं, सत्य की जय होगी, उजाले की जय होगी, सतयुग की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, धर्म की जय होगी, धर्म की धाक जमेगी। तो जो कल्कि भगवान का जयकारा लगाते हैं वो मस्त होकर जिंदगी भर नाम लेते हैं भगवान का, और भगवान के दामन को वो नहीं पकड़ते, भगवान उनके दामन को पकड़ते हैं, वो नहीं भगवान को पकड़ते, भगवान उन्हें पकड़ते हैं। हाथ कमर को आरसी का पढ़े लिखे को फर्श एक बार जयकार हो गया, बोल बोल कल्कि भगवान महाराज की जय, बोल कल्कि भगवान महाराज की जय। Oh,
चाह रहे हैं। बोलिए कल की भगवान की, बोलिए आज की आनंद की, बोलिए नाम संकीर्तन की, बोलिए संकीर्तन यज्ञ की। आज अहो भाग्य है कि इतने विप्रजन और साथ में इतने भक्त मिलकर भगवान का आगमन का आग्रह कर रहे हैं। तो सारे विप्रजनों से आग्रह है, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और थोड़ा सा विप्रजन खड़े हो जाएं। खाली खाली विप्रजनों के लिए है, बाकी सब। तो हम विप्रजनों का स्वागत करते हैं कल के नाम से। बोलिए कल की भगवान की, बोलिए कल की भगवान की, बोलिए कल की भगवान की। गो ब्राह्मण हिताय च, है ना ये शब्द शास्त्रों में। गौ और ब्राह्मण के हित के हेतु भगवान अवतरित होते हैं। तो ये आप विप्रजनों का संकल्प है, ये आप विप्रजनों का प्रयास है कि अनंत कालों से भगवान इस धरती में अवतरित होते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि स्वर्गात पतन्ति एव चत्राणि स्थाने, पुण्य क्षीण होने पर, समाप्त होने पर हम चार स्थानों पर जन्म लेते हैं। उनमें से सर्वप्रथम स्थान कौन सा है? ब्रह्मकुल, यानी कि ब्राह्मणों के वंश में। द्वितीय सुंदर नर अथवा नारी, तृतीय धनिक परिवार में, चतुर्थ भक्त गृह में। ये चार स्थानों पे हम जन्म लेते हैं। तो उनमें से श्रेष्ठ कौन सा हुआ? ब्राह्मण। तो आप लोग जितने भी जीव हैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ जीव कहलाते हैं। बोलिए ब्राह्मण देवता की। और आप लोगों का ये ध्येय और प्रार्थना और ये भक्ति, हम लोगों की भक्ति कार्य नहीं आएगी, हम लोगों की पुकार का उतना महत्व नहीं है जितना आप लोगों का पुकार का महत्व है। ये हम लोगों का अहो भाग्य है कि आप लोग यहां पर पधारे हैं। साधारण मनुष्य के द्वारा किए गए हजार बार तप ब्राह्मणों के द्वारा किए गए एक शब्द के बराबर है। तो आप लोगों से आग्रह है, जिस अथक प्रयास से आप लोग शारीरिक पीड़ा को सहते हुए भगवान का आगमन का आग्रह कर रहे हैं और कुछ समय और थोड़ा सा हम लोग आप लोगों से इस कष्ट का आशा करते हैं कि और जो दो चार घंटा समय है आप थोड़ा इसको सुचारू रूप से बढ़िया से करें। काकी भगवान की जय, आज की आनंद की जय। आरंभ करो कीर्तन भाई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा सा जोर से। और आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें। Bye.
Hey!
उसका फल भी मिलेगा और जय कलि जय जगतपति का फल तो मिल रही है, वो तो कोई काट नहीं सकता। हाँ एक बात है, जो जय कलि जय जगतपति रटेगा तो उससे अनजाने में कोई पाप हो गया है उसका भगवान सूली का कांटा बनाएंगे, क्योंकि इसके नाम का प्रताप है अनजाने में, जान के नहीं कि जय कलि जय जगतपति अब मेरे पास लॉटरी तो लगी गई है एक दो पाप कर लूं, ऐसा नहीं होता। नियत गैल बरकत है, शक्कर घोड़े को शक्कर, मेरे पिता कहते थे अम्बूजी को टक्कर, शाने कौए गु खाते हैं और भोले बछड़े दूध पीते हैं। हम लोग जो जय कल की जय जगतपते पद्मापति जय रमापते कर रहे हैं, किसी भी तरह से घाटे में नहीं रहेंगे। जब देवन की पंगत बैठी, जब देवन की पंगत बैठी, हरि अमृत आप परोस रहे, अब तुमसे लगी है आस। भजन नंबर बताओ, हमें आस किसकी है? भगवान कल्कि की। कौन सा ये बोल चुका बोल जवाब ठीक है। हमारे पंडित जी कह रहे हैं कि निष्कलंक नहीं कलंक, तुमको कलु काल के अवतारी दोबारा लाओ,
मैं इसे 1000 बार गा सकता हूँ, जब तक मेरी श्वास है तब तक कितने बुलवा लो भजन। गुरुदेव के 45 भजन है, 45 करोड़ बार भी गाया जाए तो शुरुआत होती है। निष्कलंक नहीं कलंक तुमको कलंकाल के अवतारी, निष्कलंक नहीं कलंक तुमको कलंकाल के अवतारी, कलंक करो तुमको Thank you.
थोड़े से हाथ उठे, बोलिए कल्कि भगवान की, बोलिए कल्कि भगवान की। देखिए बैकुंठ कहीं नहीं, यही है, यही पे बैठा। मेरे को ऐसा गदगद हो रहा, एक बार फिर बोलेंगे कल्कि भगवान की। आइए हम सबको कल्कि जी के सैनिक बनाते हैं, सैनिक बोलते हैं तीन बार, जय जय जय, कल्कि भगवान की जय जय जय। देखिए सुधीर भाई को मैं यहाँ से महसूस कर रहा हूँ, इनका कंपन, मुझे इनका कंपन यहाँ महसूस हो रहा है कि इनके हृदय में इस समय ऐसे ऐसे शब्द उभर रहे हैं। मैं इनको यहाँ बुलाऊंगा और ये जो शब्द इनके दिमाग में आ रहे हैं वो भक्तों को बताएं, ऐसा वो क्या कहना चाह रहे हैं। भक्त भक्ति भगवान की जय, गौ माता की जय, श्री सत्य सनातन धर्म की जय। बैठ जाओ आप, बैठ जाओ। और आकाश में भी चलने वाले आकाश आगे से बताना, हमारे विष्णु सिद्ध पुरुष जितने भी हमारे हैं उन सबको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम, उनको बारंबार दंडवत प्रणाम, उन सबको भक्तों को सबको जय श्री कल्कि भगवान की। आप सब यहाँ कोई हमारे बुलावे द्वारे नहीं रहे, मनोज भाई ने कहा दो शब्द चलो भगवान कल्कि की, तो यहाँ जितने भी आए हुए हैं ये भगवान श्री कल्कि का हनुमान जी हमारे गुरु भानुगंज जी है और गुरुदेव लक्ष्मीनारायण जी का, उनके आदेश के अनुसार कईयों का पत्ता कटा है तब आप आए। और दूसरा जिन्होंने इस श्री कल्कि महोत्सव में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी सहयोग आपने यहाँ सबने जय कल्कि का जगत पते पद्मापति महामंत्री गर्भ लगाई, संकीर्तन करा, नाम जाप करा, जब यज्ञ करा, ये सब इनकी कृपा से, आप हमारे द्वारे नहीं है, ये हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है। हमारे गुरु जी कहते कि भक्त हो और ब्राह्मण हो तो क्या ही कहने, भक्त हो और ब्राह्मण हो तो क्या ही कहने। अरे किसी का कश्यप गोत्र है, किसी का शांडल्य, किसी का पांडे, किसी का भार्गव, ऐसे ऐसे गोत्र में अत्रि वशिष्ठ कश्यप भारद्वाज ये हमारे रत्न हैं, और वो भी भक्त हो भगवान कल्कि का अनन्य भक्त, तो आप सबको बारंबार सबको सब भक्तों को जय श्री कल्कि भगवान की, सबको दंडवत प्रणाम। और इसमें जिसने भी आप प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से, मैं गुरु जी को साक्षी मान के कह रहा हूँ, हालांकि नहीं कहना चाहिए कि हमें तुच्छ प्राणी है, परंतु अगर जो कल्कि भगवान की मालाएं करता रहेगा, मैं छोटा जीव हूं, अल्पति हूं, मंद बुद्धि हूं, पर बात अपने गुरु की कह रहा हूं, जो कल्कि भगवान की मालाएं जय कल्कि जय जगत पते पद्मापति रमापते हमारे में गायत्री वाणी माता है वो सिद्ध है सब भगवान कल्कि भगवान की कृपा, परंतु गायत्री से भी कम फल नहीं है जय कल्कि जगत पते पद्मापति के रमापते महामंत्र के आप जाप करोगे और आपको साक्षात्कार ना हो ऐसा असंभव 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 है। कल्कि भगवान की कृपा से, विष्णु भगवान की कृपा से, उनके दम पे मैं कह रहा हूँ, जो भी कल्कि भगवान की जाप करेगा जय कल्कि जगत पते पद्मापति रमापते, हमारे गुरुओं का आदेश है, हमारे गुरुओं का वचन है, उन्हें कल्कि भगवान के साक्षात दर्शन होंगे, साक्षात दर्शन होंगे, साक्षात दर्शन होंगे।
कल्कि भगवान की कृपा से जो भक्त जन यहाँ बैठे हुए हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष से या अप्रत्यक्ष से इस श्री कल्कि महोत्सव को पूर्ण करा के पूर्ण आहुति में अपना योगदान दे रहे हैं या यहाँ पर है या नहीं, इनकी कृपा से आज आपसे थोड़ा सा गुस्ताखी कर रहा हूँ। उनके खानदानों में कल्कि भगवान की भक्ति निवास करेगी। ये गुरु बाल का आदेश है, गुरु लक्ष्मी का आदेश है, ये हमारे कोई नहीं है। बोलो कल्कि भगवान की। देखिए बात इतनी है कि समझ में एक पल आ जाए तो जीवन सुधर जाए, नहीं तो कई कई जीवन बीत जाए। एक बार भगवान से एक शिष्य ने कहा कि भगवान विद्या के बारे में कुछ बताइए, विद्या जो हम पढ़ते हैं। तो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा, आइए मैं इस धर्म ग्रंथ है कल्कि दिव्य नाटक, इसमें से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक शिष्य ने पूछा कि भगवान विद्या क्या है, तो गुरुजी ने कहा जो आपकी पहुंच बैकुंठ तक पहुंच गई संघ की, तो क्या कहा उन्होंने, विद्या वह है जो ईश्वर से मिला दे। विद्या क्या है, जो ईश्वर के दर्शन करा दे, ईश्वर से मिला दे। अनादि अनंत काल तक रहने वाली सनातन विद्या वह है जो मुक्ति का कारण है, जिससे मुक्ति मिले। ईश्वर के ज्ञान को विद्या कहते हैं, शेष सब अविद्या है, केवल राक्षसी माया है, शैतान का प्रचार है, विष से भी अधिक घातक है। देखिए कितनी बात क्लियर कही है, विद्या क्या है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान से मिला दे, उनके दर्शन करा दे, बाकी सब अविद्या। तो बहुत ध्यान से इस कल्कि विद्या का अध्ययन कीजिए, क्योंकि ये आपको भगवान से दूर ले जाएगी। आइए मैं हमारी कनिका बेटी, आज इसका बर्थडे भी है, इसे एक बार जरा जोरदार ताली के साथ स्वागत करेंगे इसका। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये खूब स्वस्थ रहकर भगवान का कल्कि भगवान का खूब काम करे, खूब प्रचार करे। आइए भजन नंबर 187 चंबल में Yeah.